फ्रेंड्स आज की वीडियो में देखेंगे बेस्ट स्मार्टफोन्स अराउंड 30,000। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फोन ये आता है OnePlus Note 2। सिर्फ बेसिक डिटेल की बात करेंगे। ट्रिपल स्लॉट का कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। डिस्प्ले होगी फुल एमोलेड 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। प्रोसेसर होगा Dimensity 1200 5G। बैटरी होगी 4500 mAh की 65W के चार्जिंग के साथ। दूसरा फोन आता है IQ की तरफ से, IQ 7। ये Vivo का सब ब्रांड है। इसमें भी ट्रिपल कैमरा स्लॉट होगा 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। डिस्प्ले होगी इसमें खाली एमोलेड 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। और प्रोसेसर होगा 870 स्नैपड्रैगन 5G। बैटरी होगी 4400 mAh की 66 फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि एक अच्छी बात है। तीसरा फ़ोन आता है पोको की तरफ से, पोको F3 GT। ये भी ट्रिपल कैमरा स्लॉट के साथ आएगा, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। डिस्प्ले में अगर बात करें एमोलेड मिलेगी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, HDR10+। प्रोसेसर में डायमेंसिटी मिलेगा 1200 5G के साथ। और बैटरी देखने को मिलेगी इसमें 5065 mAh की 67 फास्ट चार्जिंग के साथ। ये बेस्ट बात है इस फ़ोन की, ये गेमिंग फ़ोन होगा और प्राइस सेगमेंट देखें तो हम इसका बहुत बेस्ट रहेगा। और अगर फोर्थ फोन चौथा फोन देखें तो Realme X7 Pro आएगा क्वाड कैमरा स्लॉट के साथ, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और एक और 2 मेगापिक्सल। और डिस्प्ले की बात करें सुपर एमोलेड 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, डिस्प्ले बहुत अच्छी रहेगी। प्रोसेसर की बात करें Dimensity 1000 5G के साथ। और बैटरी 4500 mAh की मिलेगी 65W फास्ट चार्जिंग के साथ, ये अच्छी बात है इसकी। और अगर फिफ्थ फोन को देखें तो MI की तरफ से आएगा MI 11X 5G, जो कि लुक डिज़ाइन में बेस्ट है। ट्रिपल कैमरे का स्लॉट होगा 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल। डिस्प्ले इसकी वन ऑफ द बेस्ट है, सुपर एमोलेड 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, HDR10+। अगर प्रोसेसर देखें तो स्नैपड्रैगन 875G देखने को मिलेगा, प्रोसेसर भी बेस्ट है। और बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी 33W फास्ट चार्जिंग के साथ। बैटरी में थोड़ा एक डिसएडवांटेज है, 65W की चार्जिंग आराम से हो सकती थी इतने प्राइस सेगमेंट में। और सिक्स फोन निकल के आता है, छठा फोन है हमारा Reno 6। ये भी एक बहुत बेस्ट फ़ोन है, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की, आप जाके देख सकते हैं। इसमें ट्रिपल कैमरा का स्लॉट होगा 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। डिस्प्ले हमें 90Hz का एमोलेड मिलेगा, जो कि ज़्यादा खास नहीं है। और प्रोसेसर देखें तो Dimensity 900 5G के साथ आएगा, प्रोसेसर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बैटरी होगी इसकी 4300 mAh की 65W फास्ट चार्जिंग के साथ, ये एक इसकी अच्छी बात है। प्राइस को देख के इसकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।